राम भगत हनुमान की मूर्ति की हुई स्थापना, ये खबर आ रही है जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बांडाड़ी मुडालकला मुडाल खुद के हजारों ग्रामीणों ने हवन यज्ञ में आहुति डालने का काम किया और प्राण प्रतिष्ठा के साथ भगवान श्री राम के भगत हनुमान की मूर्ति की स्थापना की गई है। तस्वीर के माध्यम से बता रहे हैं आपको। आपको बता दें कि हजारों ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आपको यही बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हांसी के SDM मोहित मैराना पहुंचे। सभी गांववासियों का, हमारे सभी आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, हमारे सभी युवा साथियों का, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय जज साहब शर्मा जी और हमारे जितने भी युवा साथी हैं, मैं सभी का आज हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। हनुमान जी की आज, जैसा आप सभी को पता है, अयोध्या में श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और इसी तरीके से हमने भी अपने यहाँ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की हनुमान भगवान की, और आपने मुझे बुलाकर सम्मान दिया, मैं उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि मुरारी शर्मा जी ने बताया कि हमारे जो युवा साथी हैं, मैं उनसे जस्ट एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं अपने अनुभव से, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और झज्जर के अंदर एक गांव मेरा मेहराना, और मैं अपने अनुभव से जस्ट इतना ही कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं इस दुनिया में जो युवा ठान ले और वो नहीं हो सकता। चाहे वो खिलाड़ी बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, चाहे IAS हो, कोई भी जीवन की परीक्षा हो, कुछ भी हम ठान ले, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए नामुमकिन है। रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हर किसी को कुछ ना कुछ थोड़ा, किसी को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है। तो मेरे सभी युवा साथियों से यही है कि अपने सपनों को हमेशा जियो और अपने मंजिल की तरफ ध्यान रखो और उसी दिशा में आगे बढ़ो। मैं एक बार फिर से सभी का, हमारी एक तो जो भजन मंडली है उसका भी, इन्होंने इतनी शानदार भजन प्रस्तुतियां दी हैं, उनका भी बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरीके से आप लोगों ने पूरे सबका समा बांधा है प्रोग्राम का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर सभी का, गांववासियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।